हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस, जिसे हर एज ग्रुप के लोग खाना पसंद करते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और 2 से 3 मिनट में बन भी जाता है। बच्चों को टिफ़िन में दिया जाए तो वे इसे बहुत मन से खाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्विक रेसिपी को बनाना। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक कटी हुई, 1 टेबल स्पून लहसुन, और इसको हम मिक्स करेंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे प्याज। ये मीडियम साइज का प्याज है, इसको काट लिया है और इसको हम डाल के भून लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च और इसको भी भून लेंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे फाइन चॉप किया हुआ गाजर और इसे भी मिक्स कर देंगे। 1 मिनट चलाने के बाद इसको हम इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी, ये भी महीन काट ली है, इसको भी डाल देंगे और इसे भी मिक्स करेंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक यहाँ बहुत कम ही डालें, क्योंकि अभी सॉस डालेंगे तो उसमें भी नमक होगा। अब फ्रेंड्स, फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देंगे और इसमें हम डालेंगे सॉस को। तो यहाँ मैंने ये 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली ली है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये रेड चिली सॉस है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून विनेगर है, डाल देंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, इसको भी डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे ये चावल, इसको पहले से ही बॉयल कर लिया था और बॉयल करते समय ही इसमें नमक और थोड़ा सा तेल मिला लिया था, तो हम इसको इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा और इसे मिक्स कर देंगे। ये फ्राइड राइस हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये हमारी फ्राइड राइस की रेसिपी कंप्लीट हो गई है। इसको ऊपर से स्प्रिंग ऑनियन से हम गार्निश कर देंगे। फ्रेंड्स, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।